कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। हम लोग देखेंगे चीजें निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक देखेंगे, ताकि कोई भी लेवल की क्वेश्चन हो, कोई भी स्तर की क्वेश्चन हो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। अकिन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उपराष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार की बुक से क्वेश्चन हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। अगर आप पहले वाली वीडियो को नहीं देखें, अर्थात भारत की जो राष्ट्रपति के वीडियो बनाए गए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो आपको मिलेंगे। पहले आप राष्ट्रपति की वीडियो को देखें, फिर आप उपराष्ट्रपति की वीडियो देखें। अगर चीजें राष्ट्रपति की चीज़ें क्लियर रहती है, फिर उपराष्ट्रपति की चीज़ों को आप क्लियर करें। अगर आप तुलनात्मक चीज़ों को पढ़ते हैं, अर्थात कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आपकी जो ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे और चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं। ये सारी वीडियो देख लेने के बाद, आप भारत के उपराष्ट्रपति वीडियो देख लेने के बाद कोई भी बुक उठाइएगा, ऑब्जेक्टिव का कोई भी बुक दोस्तों, आप उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां आसानी से हल कर पाइएगा। अनुच्छेद अब हम लोग देखते हैं, इसका अनुच्छेद जो है भारत के उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद आपको दिखने को मिलता है, उन्हें अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 के बीच इनका वर्णन है। अनुच्छेद 63 बोलता है कि भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होंगे, भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होंगे। तो यह प्रावधान लिया गया था, वो अमेरिका से प्रावधान लिया गया था कि हमारे संविधान में एक उपराष्ट्रपति का भी पद होगा, और यह पद का जो कॉपी किए थे लिए थे वह यूएसए से लिए थे। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 64 राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्यरत होते हैं। चीजें को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चीजें को हम लोग आराम से देखेंगे और निम्न स्तर से देखेंगे। अनुच्छेद 65 में इनके कार्य के बारे में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है, इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। अनुच्छेद 66 में चुनाव के बारे में, इनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इनकी चुनाव कैसे की जाती है, इनके चुनाव में कौन कौन से लोग होते हैं जो मतदान करते हैं। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल, इनकी कार्यकाल करने की अवधि क्या होता है, अर्थ कार्यकाल करने की अवधि क्या होता है, इसे हम लोग पदावधि के नाम से भी जान सकते हैं। अनुच्छेद 69 में आपको उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, और शपथ में इनको क्या क्या शपथ में ये बोलते हैं। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन, अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पे किसी कारणवश या तो उनकी कोई व्यस्त हो जाते हैं, वह वो कहीं चली जाती हैं, या उनका तबीयत खराब हो जाता है, या कोई कारण में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे करते हैं, उनकी कार्य को कैसे देख रेख करते हैं। अनुच्छेद 71 चुनाव संबंधी एवं मामले, अगर चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो जाता है, या तो कोई भी प्रकार की परेशानी, कोई भी मामला यहाँ खड़ा हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में इनका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इनकी मामला सुप्रीम कोर्ट सुलझाने की काम करती है। ना तो यहाँ हाई कोर्ट काम करेगी, ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगी, जब भी इनके मामले में सुलझाने की काम करेगी वो सुप्रीम कोर्ट करती है। अब हम लोग देखेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य होते हैं। तो हम लोग यहाँ आपको हम टॉपिक वाइज दिए हैं दोस्तों, इनकी योग्यता के बारे में हम अपने अनुसार से आप लोग को यहाँ बताने की कोशिश किए हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से सजाने की कोशिश किए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की डॉट या किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों के अंदर रह जाती है, या कोई भी टॉपिक आप लोग की नज़र में बच जाती है, तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे योग्यता, निर्वाचन, इनके शपथ कौन दिलाता है, शपथ में क्या बोला जाता है, कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन कैसे करते हैं, और चुनाव संबंधी मामले अगर आ जाती है तो क्या है, और बर्खास्त करने की प्रक्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वे जिस समय शपथ लेते हैं उस समय कुछ चीज़ों का वादा करते हैं, वे कुछ
चीजों की वादा करते हैं, अगर उस चीजों का उल्लंघन करते हैं अर्थात संविधान की उल्लंघन करते हैं, संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में उसे अपने पद से निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि योग्यता क्या होगी। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जगह कम है और सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में हमको मदद होगी। योग्यता, इनकी योग्यता क्या होगी? पहला लिखिएगा कि यह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र इनकी जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष से एक भी दिन अगर कम हो जाती है तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, ये राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होगा, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होगा। कोई लाभ के पद पे नहीं होगा, लाभ के पद पे नहीं होगा। लाभ के पद पे कहने का तात्पर्य है कि उसके पास कोई सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई उसके पास सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए। और अगर उपराष्ट्रपति कोई चाहे कि हम कोई मंत्री हैं, चाहे वह किसी भी मंत्री की पद की बात कर रहे हैं हम, अगर वो मंत्री है और वो चाहे कि हम इस दौरान उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, मेरे पास ये क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहा है, तो क्या वो लड़ सकता है? एक आदमी एक यही उपराष्ट्रपति का पद लड़ सकता है कोई भी मंत्री? तो नहीं। उसको मंत्री तो लड़ तो सकता है, लेकिन अगर वे उपराष्ट्रपति का जिस समय पद ग्रहण करेंगे उस समय उसे मंत्री का जो पद है उसे छोड़ना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनको एक पद संभालना पड़ेगा, या तो मंत्री का पद संभाल लें या तो उपराष्ट्रपति का पद संभाल लें। अगर वह उपराष्ट्रपति की कुर्सी को संभालना चाह रहे हैं तो वह पहले मंत्री की पद को छोड़ दें। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया तो हम लोग में भी फुलफिल करता है, भारत के नागरिक हैं। मान लिया जाए मेरे 35 वर्ष नहीं हैं लेकिन मेरे गार्जियन के होंगे, राज्यसभा के सदस्य योग्य, उनका कोई नौकरी नहीं है ना तो वो कोई मंत्री हैं, तो क्या वो ऐसे में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। उनके पास एक और ये क्राइटेरिया है जिसमें से यही हम लोग ये सपना हम लोग का टूट जाता है। इसके पास 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए। अब प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है? आपको चीजें तो कंफ्यूज हो रही होंगे। आप अगर कंफ्यूज चीजें हो रही है तो आप पहले पीछे वाली वीडियो को देखें। अगर इतना क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आपको 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे RBI को देना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा 15,000 रुपये जमानत के रूप में। अब हम लोग योग्यता को देख लिए। अगर आप इसे चाहे तो लिख लें या इसे स्क्रीनशॉट ले लें। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य होने के योग्य होना चाहिए और लाभ के पद पे वे नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई सरकारी जॉब, कोई मंत्री ये वगैरह नहीं होनी चाहिए। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक उनके पक्ष में होना चाहिए, उनके कॉपरेट उनके उस पर वो हस्ताक्षर करते हैं, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, और 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में वे RBI को देंगे, RBI को जमा करेंगे। योग्यता, अब इनकी निर्वाचन कैसी होती है? अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि इनकी निर्वाचन कैसे होती है। इनके निर्वाचन प्रक्षोभ विधि के द्वारा होता है। अगर प्रक्षोभ विधि नहीं समझ आ रहा है तो इसका जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इनके निर्वाचन जो करते हैं वो लोकसभा के सदस्य एवं प्लस राज्यसभा के सदस्य दोनों करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसी आती है कि हम लोग जिस समय राष्ट्रपति देखे थे उस समय देखे थे कि लोकसभा के सदस्य वहां भी निर्वाचित राष्ट्रपति के
चुनाव में करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग ये पढ़े थे, इसमें से ये भिन्नता ये बताती है कि वहाँ जो करते हैं राष्ट्रपति के जो चुनाव करते हैं वो लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल करते ही हैं, लेकिन वहाँ जो सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर करते हैं, इलेक्टेड मेंबर करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। लेकिन इसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों व्यक्ति होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में मतदान करते हैं। दूसरा यह है कि राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान नहीं करते हैं, अपना मत नहीं देते हैं। इसके पीछे भी कारण है। हम लोग वहां देखे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कि लोकसभा के इलेक्टेड एवं राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो चुनाव करते हैं, और वहां भी ये भी देखे थे कि विधानसभा जिसे हम लोग विधायिका के नाम से आते हैं, विधानसभा जो होती है चुनाव, उसमें विधायिका निकल के आते हैं, विधायक निकल के आते हैं, वे विधायक हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में मत करते हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं करते हैं? ये हम नहीं, ये बी आर अम्बेडकर ने बता के गए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मेंबर एवं लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में मत करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश की गार्जियन होती है। ऐसा माना जाए तो पूरे देश की वो गार्जियन होती है, वे पूरे देश को संचालित करने की काम करती है, वह राज्य स्तर को भी संचालित करने की काम करती है एवं केंद्र स्तर को भी संचालित करने की काम करती है। तो ऐसी अवस्था में राज्य स्तर से अगर ले लेते हैं विधायिका को तो राज्य स्तर की सहमति ले लेते हैं, और अगर ये केंद्र स्तर की को भी संचालित करते हैं तो केंद्र स्तर से इन लोग की सहमति अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा की सहमति ले लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा कहीं ना लिख के अगर संसद भी लिख दे तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, संसद के अंतर्गत भी लोकसभा एवं राज्यसभा ही आते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य स्तर के जो विधायक होते हैं उनका भी सहमति होना चाहिए और केंद्र स्तर के लोकसभा राज्यसभा संसद की भी सहमति होनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्यों नहीं होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति में इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये कभी कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके पद को संभाल लेते हैं, जब उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है राष्ट्रपति को तब इनको ये पद को संभालते हैं, अर्थात आकस्मिक समय में ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। लेकिन ऐसा तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ये रेयर केस की बात है, इसलिए इसमें राज्य स्तर की ये सहमति नहीं ली जाती है। उम्मीद है दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया थी, आपको चुनाव की प्रक्रिया अभी हम लोग विशेष देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य याद रखिएगा यहाँ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सभी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में केवल इलेक्टेड करते हैं। यहाँ विधानसभा अर्थात विधायक लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनी मतदान नहीं करते हैं। अब इनकी जो मतदान करने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? वह होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मतदान के द्वारा एकल संक्रमक मत पद्धति के द्वारा। एक आप लिख लीजिएगा दोस्तों, एकल संक्रमक मत पद्धति के द्वारा। आप इसे चाहे तो इसे नोट कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब इसे हम लोग इरेज कर मिटाएंगे, उसके बाद इसके हम लोग देखेंगे इनकी शपथ के बारे में।
राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, जिस समय राष्ट्रपति अपने पद को संभालने से पहले इनको शपथ दिलवाई जाती है, वो शपथ दिलाने के काम करते हैं, शपथ दिलाने के जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर राष्ट्रपति उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हो तो क्या ये उस समय शपथ नहीं लेंगे? हाँ लेंगे, उस समय अगर राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं हो तो सॉरी अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो तो उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अगर नहीं है उपस्थित तो वो किन्हीं को वो नियुक्त करके जाते हैं। तो जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति ऐसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब शपथ में क्या बोला जाता है, दो चीजें आप लोग याद रखिएगा। शपथ लेंगे वो इसमें ये बोलेंगे कि संविधान के प्रति, अर्थात भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, ऐसा बोला जाता है। सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, दूसरा अपने पद ये वा कार्य को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूँ, श्रद्धापूर्वक करूँगा। ये दो चीज़ें जो मेंशन होती है, ये चीज़ें होती हैं कि जो शपथ लेते हैं तो वो पेपर पे हस्ताक्षर करते ही करते हैं, उसमें ये होता है कि संविधान भारतीय संविधान सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, संविधान को सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, अपने पद एवं कार्य को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, ऐसा उपराष्ट्रपति शपथ लेने वक्त ऐसा बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों शपथ इनकी कार्य क्या होती है, इनकी कार्य के बारे में देखेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं वह तो ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। अब ये सभापति होते हैं जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष सभी लोगों को संचालित करने की काम करती है, सभी मेंबर को संचालित करने की काम करती है, वैसे ही राज्यसभा में राज्यसभा के सेनापति राज्यसभा के मेंबर को संचालित करने की काम करती है। दूसरा कार्य क्या है, पहला कार्य आप लोग देख लिए कि राज्यसभा पदेन सभापति के रूप में काम करती है, ये लोगों को संचालित करने के रूप में काम करती है। जैसे लोकसभा में स्पीकर अर्थात लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोगों को संचालित करने की काम करते हैं, वैसे राज्यसभा में किसी अगर कोई संचालित करने की काम करते हैं तो वे होते हैं सभापति। अब कार्य क्या होता है, कार्य ये भी होता है, दूसरा कार्य के अंतर्गत हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पे कार्यरत नहीं है, चाहे तो उनकी तबीयत खराब हो या तो वह कोई कारण हो उनकी मृत्यु हो जाए या उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे निकाल दिया गया है या वह किसी प्रकार से भी अपने पद पे कार्यरत नहीं है, तो वैसी अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के
पद को संभालेंगे, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बराबर हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। अब चीज़ों को यहाँ और समझिएगा दोस्तों, चूंकि हम अभी देखे थे कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो जिस समय राष्ट्रपति अपने पद पे कार्यरत हैं, ठीक है, उस समय उपराष्ट्रपति अपने पद पे कार्यरत हैं, चीज़ें यहाँ तक ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति इस जगह पे चले जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में काम कर रहा था वो उनका क्या होगा, तो उनका कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ एक होता है उपसभापति, अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति सभापति के पद पे कार्य करेंगे, और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति यहाँ कार्य करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो क्या इनका जो वेतन है, इनका जो भत्ता है, वह क्या सेना सभापति का मिलेगा या राष्ट्रपति का मिलेगा, ठीक है। जिस समय ये उपराष्ट्रपति होते हैं तो इसमें उपराष्ट्रपति का वेतन इनको नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि इनको जो वेतन मिलता है वह पदेन सभापति का वेतन मिलता है। सभापति राज्यसभा के सभापति होने के कारण इनको वेतन मिलता है, वेतन मिलता है। और लेकिन जिस समय ये राष्ट्रपति के पद को संभालने लगते हैं उस समय इनको राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। चाहे वह राष्ट्रपति की कितनी भी वेतन हो, कितनी भी उनकी भत्ता मिलती हो, चाहे जितनी भी सुविधाएं मिलती हो, उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पे मिलेगा। और इस समय उपराष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे ये 6 मंथ तक काम कर सकते हैं, 6 मंथ तक काम कर सकते हैं। इनके बीच में निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना पड़ेगा और ये देश के लिए उन्हें एक राष्ट्रपति देनी पड़ेगी निर्वाचन चुनाव आयोग को। उम्मीद है दोस्तों कार्य और शपथ के बारे में चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल क्या होगी, उनकी कार्यकाल क्या होगी, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल क्या होगी। कार्यकाल इनकी जो होती है वह 5 वर्ष होती है, ठीक है। 5 वर्ष के पहले भी ये चाहें तो निकल सकते हैं, अब ये बात नहीं कि उनको 5 वर्ष है तो इनको 5 वर्ष रहना ही रहना है, ये जरूरी बातें नहीं है। ये चाहें तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर ये सत्ता को संभालने में असमर्थ हैं, जो इनको कार्य सौंपी गई है वो चीज़ें असमर्थ हैं संभालने के लिए, तो वे अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर इनकी मृत्यु हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए तो भी यह पद रिक्त ही रहेगा। अगर इसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, बर्खास्त भी किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो जो शपथ लिए हैं उनके अनुसार वे काम नहीं कर रहे हैं, अगर वे उनके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो राज्यसभा में संकल्प पेश किया जाएगा, प्रस्ताव पेश किया जाएगा और राज्यसभा में प्रभावित राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो प्रभावित मतदान के द्वारा राज्यसभा में बिल को पेश के प्रस्ताव को पेश करके पास किया जाएगा और लोकसभा में समान मतदान के द्वारा पास किया जाएगा। अगर ये दोनों सदन से राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदन से प्रस्ताव पास हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति को अपने पद छोड़ना पड़ेगा। और यह जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके 14 दिन पहले
उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ एक प्रस्ताव जारी किया जा रहा है, प्रस्ताव जारी किया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको इनके कार्यकाल की चीजें समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वहन, राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन, चूंकि हम आपको अभी बता चुके हैं राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत नहीं होते हैं, उनकी कोई कारणवश वो अपने त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें पद से निकाल दिया जाता है या कोई भी कारणवश हो, चाहे उनकी तबीयत खराब होती है, वैसी अवस्था में सारे राष्ट्रपति के सारे कार्य उपराष्ट्रपति देखेंगे और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता मिलेगा। उस समय वे सभापति का कार्य नहीं करेंगे, उस समय वे राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और सभापति का कार्य उस समय उपसभापति करेंगे। अब आते हैं चुनाव संबंधी मामले। चुनाव संबंधी मामले कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी विवाद हो जाता है तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इनकी समस्या को सुलझाने की काम करेगी। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति के जो विवाद होंगे वे तो ना तो आपके हाईकोर्ट में सुलझाए जाएंगे ना तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुलझाए जाएंगे, वे जो उनकी जो विवाद होगी वह सुप्रीम कोर्ट में, ना तो हाईकोर्ट में ना तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो समस्या है वह सुलझाई जाएगी। अब हम लोग चीजें थोड़ा सा और देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जब तक इनको बहुमत प्राप्त हो तब तक ये उपराष्ट्रपति के पद पे कार्यरत हो सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर भारतीय संविधान में एक बार उपराष्ट्रपति अब बन जाते हैं या तो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप दोबारा उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब तक आपको बहुमत प्राप्त हो रहा है, जब तक आप उसके योग्य हैं तब तक आप उपराष्ट्रपति की पद को संभाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनका कंपेयर थोड़ा करेंगे यूएसए के साथ ये कंपेयर करेंगे, चूंकि यह जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है वह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चूंकि हम अभी यहां देखें दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति ना हो, उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग ऐसा देखते हैं दोस्तों कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पद को संभाल रहे हैं तो ये कम से कम छह मंथ तक राष्ट्रपति पद को उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उनको वेतन वही मिला जाएगा जो राष्ट्रपति को दिया जाता था, सुरक्षा वही दिया जाएगा। कुल मिला के ये समझिए कि ये उपराष्ट्रपति नहीं बिल्कुल हम ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये 6 महीने तक इनका अलाव है कि ये 6 महीने तक काम करेंगे। इनके बाद चुनाव करने की प्रक्रिया करेगी। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति एक नए राष्ट्रपति के रूप में इस देश को चाहिए। उसके बाद यह स्वयं उपराष्ट्रपति का कार्य को संभालेंगे। ठीक है, अब यही यूएसए में क्या है कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की पद को संभाल लेते हैं तब इनकी चुनाव नहीं होगी। ये अगर राष्ट्रपति 2 साल के बाद इनके साथ कोई हादसा हो जाता है, चाहे अपने पद को त्याग देते हैं, चाहे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर ये 2 साल के बाद जाते हैं तो इनके पास अभी 3 साल तो बची हुई थी ना, तो अगर ये उपराष्ट्रपति यहाँ आ जाते हैं तो 3 साल तक ये नहीं हटेंगे। यह प्रावधान इंडिया की नहीं है, ये प्रावधान भारत की नहीं है, यह प्रावधान हम आपको बता रहे हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका की है। उम्मीद है दोस्तों आपको भारत की जो उपराष्ट्रपति चीज़ें थी वह चीज़ें
खत्म हो गई है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ और बतानी होगी, अगर चाहे तो ऐसे इसमें पूछा तो नहीं जाता है कि कौन ऐसे कौन जो ये उपराष्ट्रपति थे, इनको बहुमत कितना मिला, क्या थे, कैसे थे, इनके बारे में थोड़ा कितने उपराष्ट्रपति थे, तो ये सब चीज़ें आप लोग को हम बाद में बता देंगे। आप चीज़ों को आप ये सारी चीज़ों को बस उनका एक आंकड़ा बचा हुआ है, अगर आप चाहें अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो हम वो चीज़ें भी आप लोग को दे देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है उनकी, ज़रूरत नहीं, कई कई एग्जामों में ऐसे पूछ लिए जाएंगे या नॉलेज के लिए आप लोग को दे दिया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है, आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बेल आइकन दबाने से आपके पहले वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएगी। धन्यवाद।